हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड इंग्लिश स्पेशल लेसन द पाई एंड द टार्ट। पाई एंड द टार्ट ये एक वन एक्ट प्ले है। इस प्ले को समझने के लिए सबसे पहले इसके करेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको कुछ करेक्टर के बारे में, जो भी करेक्टर हैं इसमें 4 करेक्टर हैं केवल, उनको अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट करेक्टर यहाँ पर बताया गया गॉल्टियर। गॉल्टियर एक पेस्ट्री कुक है, पेस्ट्री कुक है, केक शॉप है, मतलब उसकी केक की एक दुकान है, आप ऐसा समझ लें। एक सिंपल मैन है हु ऑलवेज एंग्री, जो हमेशा गुस्सा रहता है। ही इज़ प्राउड, वो अपने आप को बहुत घमंडी है वो। ही नेवर थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग और डूइंग समथिंग, वो कुछ करने से पहले सोचता नहीं है कभी, जो भी उसको करना रहता है वो डायरेक्ट उसे कर देता है। तो ये था गॉल्टियर, मिडिल एज मैन है। नेक्स्ट है उसकी वाइफ मैरियन। मैरियन जो है वो गॉल्टियर की वाइफ है, एक ओबीडियंट वाइफ है, आज्ञाकारी वाइफ, जो उसका कहना मानती है। वो दोनों मिलकर केक की शॉप चलाते हैं। वो गॉल्टियर से छोटी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। She is not a kind of a woman who could be witty at times. मतलब वो इतना दिमाग नहीं लगाती हर काम में। वो एक अच्छी एक्टर है, जैसी भी एक्टिंग करती है वो बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। नेक्स्ट जो हमारे मेन करेक्टर हैं दो, उनमें से एक है पियरे। पियरे और जीन ये दोनों बेगर हैं, भिखारी हैं, और फ्रीजिंग स्ट्रीट्स में ये रोमिंग कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं बहुत ठंडी ठंडी गलियों में, बहुत ठंड है। ये 15वीं सदी की बात है, कहाँ पर? फ्रांस में। वो इतने गरीब हैं फिर भी काफ़ी विटी हैं, बुद्धिमान हैं और खुश भी रहते हैं। वो लॉजिकल है, टैक्टफुल है, और उसकी भाषा अच्छी है, मतलब उसके पास अच्छे वर्ड्स हैं बोलने के लिए, वो काफ़ी बात भी करता है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा जीन। जीन जो है वो साथी है पियरे का, कंपेनियन है। उसकी कंडीशन भी पियरे की तरह ही है, दोनों बहुत गरीब हैं, दुखी हैं। ही शुड लेज़ी, वो चलाक है, थोड़ा सा लेज़ी है, कम बात करता है, और वो पियरे की तरह ही टैक्टफुल और जॉली है, खुश रहता है हमेशा। तो ये थे 4 करेक्टर आपके। अब अपन चैप्टर को चालू करते हैं। ये आप देख रहे होंगे 2 बैगर की तस्वीर, ये जीन और पियरे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। द पाई एंड द टार्ट इज़ द स्टोरी ऑफ हंग्री बेगर्स। पाई और टार्ट जो है ये स्टोरी है भूखे भिखारियों की। जीन एंड पियरे आर द होमलेस बेगर हु आर रोमिंग इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रांस। जीन और पियरे कौन है? वो भिखारी हैं जो भूखे हैं और फ्रांस की गलियों में घूम रहे हैं। दियर कंडीशन इज़ पैथेटिक, पैथेटिक यानी दयनीय, बहुत बुरी कंडीशन है उनकी। दे आर शिवरिंग ऑफ कोल्ड, शिवरिंग मतलब कांप रहे हैं, किससे कांप रहे हैं? ठंड से कांप रहे हैं। एंड एक्सट्रीमली हंग्री, और बहुत ज़्यादा भूखे हैं उन लोग। द सोसाइटी इज अनकाइंड टूवर्ड्स दैम एंड दे आर फोर्स टू स्टील फूड। अब जो सोसाइटी है, जो समाज है, उनके लिए वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, कोई भी उनको खाना नहीं देता, और इसलिए वो मजबूर हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि विदेशों में भीख मांगना भी पाप है, मतलब एक गुनाह है जिसके लिए सजा है। तो वो भीख भी नहीं मान सकते बेसिकली, इसलिए वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। दिस प्ले टेल्स हाउ दे ट्रिक्ड द केक शॉप ओनर इनटू गिविंग देम द एल्पाय एंड द कैरनबेरी टार्ट। ये प्ले ये बताता है कि कैसे इन लोग, जीन और पियरे दोनों मिलके वो केक शॉप ओवनर, मतलब गॉल्टियर और मैरियन को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे एल पाए और क्रैनबेरी टार्ट ले जाते हैं। पाए और टार्ट एक्चुअली में एक डिश है, एक फ़िश की एक डिश होती है पाए एंड टार्ट। पाए एक फ़िश होती है बेसिकली, टार्ट एक चटनी समझ लो जो फ़िश के साथ यूज़ होती होगी। तो वो लोग वो चीज़ ट्रिक करके उनसे ले जाते हैं। तो ये समझेंगे कैसे? ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे केक शॉप, ये गॉल्टियर है और वो मैरियन खड़ी है, जो केक शॉप अपनी भट्टी में डाल के केक को क्या कर रहा है? बेक कर रहा है। गॉल्टियर द बेकर इज़ प्राउड, क्विक टेम्पर्ड, स्नोबिश एंड सस्पिशियस। अब गॉल्टियर काफ़ी घमंडी है और
जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, वो बोलने से पहले कुछ सोचता नहीं है, स्नॉबिश है, मतलब जो सोच लेता वही करता है। ही इज़ अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वो लगभग 50 सालों का है, एंड लिव्स देयर विथ हिज वाइफ मैरियन, और वहाँ पर वो किसके साथ रहता है, अपनी वाइफ मैरियन के साथ। अब द बैगर आर आउटसाइड हिज शॉप एंड बैग फॉर आर्म्स, अब भिखारी उसकी शॉप के बाहर आते हैं और भीख मांगने लगते हैं। द कपल शोड देम अवे विदाउट गिविंग एनी फूड और मनी, अब जीन और पियरे पहले क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए जाते हैं बेसिकली, तो उनको भीख नहीं मिलती, उनको एक एक करके वहाँ से भगा दिया जाता है गॉल्टियर के द्वारा। द मेयर ऑफ द टाउन हैड इन्वाइटेड, अब जो उस टाउन के मेयर हैं उन्होंने गॉल्टियर को इन्वाइट किया है लंच के लिए। गॉल्टियर मेयर के यहाँ चाहता है कि एक बड़ी सी एल पाए उसने बनाई है अपनी केक शॉप में, वो चाहता है कि मेयर के साथ जब वो डिनर में जा रहा है तो वो मेयर को एक एल पाए देगा। यहाँ पर वो सोचता है कि देना तो चाहता है वो एल पाए, लेकिन सोचता है अगर वो खुद ले जाएगा इस एल पाए को कैरी करके तो ये उसके स्टेटस को मेंटेन नहीं करता, ये उसका स्टेटस नहीं है। तो वो एक प्लान बताता है अपनी वाइफ को, वो कहता है कि मैं एक मैसेंजर भेजूँगा, क्या भेजूँगा, एक मैसेंजर जो तुमसे एल पाए लेने आएगा। अब बात आती कि मैरियन कैसे पहचानेगी कि वो सही मैसेंजर है, तो गॉल्टियर उसे बताता है कि जो सही मैसेंजर होगा वो आएगा और तुम्हारा हाथ मांगेगा किस करने के लिए, और अगर कोई मैसेंजर आता है और तुम्हारा हाथ मांगेगा किस करने के लिए तो तुम समझ जाना ये मैसेंजर मैंने भेजा है, यानी गॉल्टियर ने भेजा है, और उसे एल पाए दे देना। अब जब गॉल्टियर और मैरियन ये बातें कर रहे थे तो दिस प्लान इज ओवरहर्ड बाय जीन, ये प्लान किसने सुन लिया था, जीन ने, जो कि भिखारी है, जो कि केक शॉप के बाहर खड़ा हुआ था। अब जीन चाहता है पियरे से, ऊपर से उठ करता है पियरे को कि वो जाए मैसेंजर बनके और मैरियन से पाए मांगे। अब जो पियरे रहता है, क्योंकि बेसिकली पियरे इज स्टार्विंग, वो भूख से मर रहा है, स्टार्विंग यानी भूख से मरना, सो ही डिसाइड टू डू एज जीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा भी जीन ने बोला पियरे ने डिसाइड किया कि चलो ऐसा ही करते हैं। पियरे उनकी केक शॉप में पहुंचता है, पियरे नॉक्स ऑन द डोर ऑफ द केक शॉप, व्हेन मैरियन ओपन इट टेल्स हर दैट ही इज द मैसेंजर सेंड बाय गॉल्टियर टू फैच द एल्पायर फॉर द मेयर, वो गेट को नॉक करता है, खटखटाता है, जैसे ही मैरियन बाहर आती है वो बताता है कि मैं मैसेंजर हूँ, मुझे आपके हस्बैंड गॉल्टियर ने भेजा है पाई लेने के लिए जो कि मेयर को देनी है। पियरे आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बाय आस्किंग, अब पियरे उसको बोलता है टू गिव हर हैंड टू किस, और वो उसके हैंड को किस करने की कोशिश करता है, मैरियन अपने हाथ को पीछे खींच लेती है, मैरियन समझ जाती है सही मैसेंजर है, तो वो जाती है एल पाए लेने, फैच द एल पाए एंड गिव टू हिम ऑन द प्लेटर, वो प्लेटर में जहाँ पर रखते हैं बेसिकली वहाँ पर वो रख देती है और उसे एल पाए दे देती है। जीन इज एग्जुबेरेंट, एग्जुबेरेंट मतलब बहुत लालची, बहुत अधिक, एंड लेटर रिलेनेज द एल पाए विथ हिज फ्रेंड, और बाद में देखा जाता है कि जीन वहाँ से एल पाए ले जाता है और बाद में जीन और पियरे मिलके दोनों मजे से एल पाए खाते हैं। वो एल पाए खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जहान मिल गया उनको, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो इतने भूखे थे और उसके ऊपर से उनको एल पाए मिल गया। काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, बहुत खुश होते हैं वो। ये देख रहे होंगे आप, ये एक पिक है एल पाए की, ये फिश जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। गॉल्टियर अब वहाँ पर, जब गॉल्टियर मेयर से मिलने जाता है तो वहाँ पर गॉल्टियर से मेयर नहीं मिलते और गॉल्टियर बहुत गुस्से से घर आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो गॉल्टियर है वो ऐसा इंसान नहीं है कि उसे कोई घर पे बुलाए और खुद ना मिले, उसका भी कुछ स्टेटस है, इसलिए वो बहुत गुस्सा है मेयर से कि उन्होंने गॉल्टियर को बुलाया था लेकिन वो गॉल्टियर से नहीं मिले। जब वो घर वापस आते हैं तो काफ़ी उन्हें भूख लगी रहती है तो मैरियन से वो एल पाए मांगते हैं। मैरियन टेल्स हिम दैट शी हैड गिवन द एल पाए टू द मैसेंजर ही हैड सेंट, मैरियन उसे बताती है कि एल पाए उसने किसको दे दिया है, एक मैसेंजर को दे दिया जो आपने भेजा था। अब गॉल्टियर गुस्सा होता है, उसको चिल्लाने लगता है उसकी बेवकूफ़ी के लिए, क्योंकि गॉल्टियर ने कोई मैसेंजर भेजा ही नहीं है। पहले तो मैरियन मानती नहीं है ये बात, फिर गॉल्टियर के बहुत एम्फेसिस करने पे वो समझती है कि उससे गलती हुई है,
कोई उसके साथ ट्रिक किया है, उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। अब जब पियरे केक शॉप में एल्पाई लेने आया था तो उसने क्रैनबेरी टार्ट भी देखी थी वहाँ पर उस शॉप में। तो वो जीन के साथ प्लान बनाता है कि अब पियरे ने एल्पाई तो ले आई है, तो वो चाहता है कि अब जीन जाके वो टार्ट भी ले आए, क्योंकि अब वो लालची हो गए हैं बेसिकली। उन्होंने एल्पाई खा लिया तो उनको लगता है टार्ट भी मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अलॉन्ग विद जीन दे हैच अ प्लान। अब वो प्लान बना लेते हैं कि कैसे मैरियन के पास फिर से जाएंगे और फिर से क्या ले आएंगे, क्रैनबेरी टार्ट ले आएंगे। इस बार जीन जाता है, पहले कौन गया था, पियरे। नाउ जीन इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट टू गो इन दिस टाइम। जीन बहुत कॉन्फिडेंट है, वो डोर को नॉक करता है और मैरियन गेट खोलती है। जीन फिर उससे झूठ बोलता है कि उसके हस्बैंड ने क्या मंगाया है, आप क्रैनबेरी टार्ट मंगाया है। ये पिक्चर देख रहे होंगे आप क्रैनबेरी टार्ट का। मैरियन अंडरस्टैंड द ट्रिक। अब मैरियन तो समझ जाती है कि ये फिर से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है और उसे बोलती है ठीक है, प्रिटेंड करती है, बहाना मारती है, ठीक है मैं अंदर जाके टार्ट ला के तुमको देती हूँ, रुको। और अंदर वो अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देती है। उसका हस्बैंड बाहर आता है और उसको बहुत पीटता है, जीन को पकड़ लेता है कॉलर से और पीटने लगता है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको क्या बनाया है, बेवकूफ़ बनाया। अब जीन बोलता है कि पियरे प्रॉमिस करता है कि वो पियरे को लेके आएगा केक शॉप में और वो वहाँ से चला जाता है इस वादे से कि वो पियरे को लेके आएगा। अब वो जीन जब वापस जाता है तो पियरे से बोलता है कि तुम जाओ और सेंड हिम टू द गोल्टियर। जीन टेल्स पियरे दैट मैरियन वुड गिव। अब वो बोलता है कि मैं गया था वहाँ, जीन बोलता है पियरे से कि मैं गया था वहाँ। अब जीन तो पिट चुका है तो बोलता है मैं गया था, उन्होंने बोला कि वो टार्ट उसी को देगी मैरियन जिसको उसने क्या दिया था, एल्पाई दिया था। और एल्पाई कौन लाया था, पियरे। तो वो बोलती है पियरे को, जीन बोलता है पियरे को कि तुम जाओ और तुम जाके लेके आओ। अब वो तो जानता था, पता चल गया पिटने वाला है, खुद तो पिट गया था, पियरे को भी पिटवाना चाहता है वो। अब पियरे क्या करेगा, पियरे विश्वास मान लेता है उसकी बात को एंड गोज टू शॉप टू फाइंड एक्सट्रीमली एंग्री गोल्टियर। और जब जाता है तो उसको कौन मिलता है, बहुत ही गुस्से में गोल्टियर मिलता है। अब जो पियर है वो शार्प विटेड है, बहुत माइंडेड व्यक्ति है। वो गोल्टियर जैसे उसको पकड़ता है तो वो बोलता है थोड़ा समय दे बोलने के लिए। फिर वो उसे बताता है कि जो एल्पाई वो ले गया था उसने मेयर को दे दिया है और मेयर चाहता है कि आप उसके साथ डिनर करने जाएं। पहले तो गोल्टियर मानता नहीं है इस बात को, फिर वो बताता है कि जब आप गए तो उसी समय क्या हुआ, मेयर आ गया और मेयर आपका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर और उसने एल्पाई के लिए आपको बहुत थैंक यू बोला है। अब गोल्टियर ये जब सुनता है तो बड़ा खुश होता है, अपना गुस्सा भूल जाता है। अब वो सोचता है कि अब मैं जाऊँगा मेयर से मिलने, तो वो मेयर से मिलने चला जाता है। अब पियरे ऑफर्स हिम कैरी द टार्ट टू द मेयर। अब पियरे को बोल देता है कि क्या करे, वो टार्ट लेके जाए मेयर के पास। क्या लेके जाए, टार्ट लेके चले जाए, क्योंकि मेयर ने टार्ट भी मांगा है भाई। गोल्टियर अब फंस जाता है उनके इस बहकावे में, तो गोल्टियर क्या करता, टार्ट भी उसको दे देता और कह देता इन्फॉर्म कर देना मेयर को कि मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। और पियरे वो टार्ट लेके भी वहाँ से फुर्र हो जाता है। तो इस प्ले में बहुत ही डिलाइटफुल एंड होता है, जीन और पियरे साथ में टार्ट खाते हुए भी दिखते हैं। हालांकि दोनों को थोड़ी बहुत पिटाई भी पिट गई है लेकिन उनका पेट भर चुका है। थैंक यू वेरी मच, ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में या कहीं भी इस चैप्टर में, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।